आज हमारी बच्चियों ने तीनों संकाय में टॉप की है, तो इसके लिए बिहार के लिए भी आज अच्छा दिन है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी खुद महिला हूँ, तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ बच्चियों को कि आगे बढ़े, निरंतर आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी हुआ है। अगर हम बात करें तीनों ही संकायों की, तीनों ही स्ट्रीम्स की, साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की, तो तीनों ही स्ट्रीम्स में लड़कियों ने बाजी मारी है। बिहार की लड़कियां पढ़ने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह जी हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से अब लड़कियाँ बाजी मारने लगी हैं, बिहार बदलने लगा है, उन्नति की ओर बढ़ने लगा है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो तीनों संकाय में आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में हमारी बेटियों ने बाजी मारी है, टॉप की है, तो सबके सबसे पहले मैं शुभकामना देती हूँ कि आगे बढ़े और नई ऊंचाई को चूमे। आज बिहार बदल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो बेटियाँ हैं वो नई ऊंचाई को चूम रही है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में, कई योजनाएँ चल रही है ताकि हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। लोहिया और अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर हमारी सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि हमारी बेटी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। उसी उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, उसका भी ये एक नमूना है। नमूना आप कर रही हैं, लेकिन क्या लगता है आपको बदलाव बहुत आया है पहले से? क्योंकि हम तो अगर बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अक्सर कहते हैं कि पहले के हालात को दिखाइए, पहले क्या होता था ये भी लोगों को बताना जरूरी है। पहले तो न्याय नहीं मिलता था, कहीं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता था तो न्याय नहीं मिलती थी। आज न्याय मिल रही है, आज महिलाओं को न्याय मिल रही है, हमारी बच्चियों को न्याय मिल रही है सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर, तो आज लड़कियां आगे बढ़ रही है, अवसर मिल रहा है तो कुछ करके दिखा रही है। बेटियां पढ़ेंगी, बिहार की आगे बढ़ेंगी, एकदम बेटियां पढ़ेगी, पढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, बढ़ रही है, तो बिहार में नारी सशक्तिकरण दिख रहा है, महिलाएँ आगे बढ़ रही है, हमारी बच्चियाँ नई ऊँचाई को चूम रही है, आगे आने वाले समय में और भी निरंतर ऊंचाई को चूमेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है बिहार में, विधानसभा का उदाहरण दे रहा है, कह रहा है कि कई जगह पर गैंगरेप के मामले सामने निकल जाते हैं, देखिए ना बिहार में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन पहले की तुलना में आप देखेंगे 15 साल पहले की जो शासन थी RJD की शासन, उसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिलता था, आज न्याय मिल रहा है, महिलाएँ आगे बढ़ रही है, कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होता है सरकार उसको सख्ती से, कानून का पालन होता है, महिलाओं को न्याय मिलता है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन यदि आप तुलना करेंगे तो धरती और आसमान का अंतर दिखाई देगा। पहले महिलाओं का क्या इज्जत था, न्याय नहीं मिलता था, आज महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, कुछ होता है, न्याय भी मिल रहा है और महिलाएं आगे भी बढ़ रही है, महिलाओं का मान सम्मान भी है। काफी खुशी का दिन है कि तीनों संकायों में बेटियों ने, बहुत ही खुशी का अवसर है और मेरे लिए तो बहुत खुशी का अवसर है कि मैं भी एक महिला हूँ। आज हमारी बच्चियों ने तीनों संकाय में टॉप की है, तो इसके लिए बिहार के लिए भी आज अच्छा दिन है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी खुद महिला हूँ, तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ बच्चियों को कि आगे बढ़े, निरंतर आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि किसी समाज की उन्नति को देखना हो तो ये देखिए कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। बिहार के लिए आज का दिन काफ़ी गर्व वाला है, काफ़ी गर्वपूर्ण है, कह सकें तो काफ़ी सौभाग्यशाली रही हैं वो बेटियां जिन्होंने टॉप करके बिहार का नाम ऊंचा किया है, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है, और आगे चल के उम्मीद है कि उन्नत बिहार बनाने में ये बेटियां काफ़ी सहयोग देंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ थी, इनको भी काफ़ी भरोसा है और बता रही हैं कि आसमान और धरती का अंतर है पहले और अब में, विश्वास कीजिए बिहार बदलने लगा है, इनका कहना है। लाइव स्ट्रीम को ट्विटर हैंडल पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।